नहीं है। वो जान पहचान कर रही थी, समझ रही थी, उसको मालूम था कि मैंने क्या करा। उसको ये भी मालूम था कि आंटी मुझे आज विदाई देंगे। तो बेटे छोड़ दो, दिमाग में ख्याली पुलाव पलाना छोड़ दो, कोई अपने लिए नहीं है। आज विवेक नंदिता की इतनी तरफदारी कर रहे हैं, मगर कुछ ही दिन पहले लक्स परफेक्ट ब्राइड के मंच पर विवेक के विचार कुछ और ही थे। अगर नंदिता यश के पास चली जाती है तो आपको कितना अफसोस होगा या होगा या नहीं? मेरे पास माँ है, अब उनकी मर्जी, अगर वो यूएस जाना चाहती है और यश तैयार है तो फिर देखें गुड फ्लाइट जा सकते हैं। कभी नंदिता के होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात की शेखी बघारना, तो कभी नंदिता के जाने के दुख में गुमसुम हो जाना, एक ही इंसान के दो दो रूप, विवेक को तो सिर्फ विवेक ही समझ सकते हैं। अब आगे की सोचो, आगे चलो, अब बैठो, मैं जरा चलती हूँ, बातचीत करो, ठीक है? ऑल दी बेस्ट, ठीक है बेटे, जो मैंने कहा है प्लीज। हाँ, नहीं, जरूर। है, आप इस लाइन में सोचिएगा और बहुत अच्छे से बैठो, आप लोग दोनों माँ बेटा बातचीत करो। है, बैठो। रूपा मेरे को काफी हद तक सही लड़की है वैसे, पर ये है कि मैं एक ही चीज आपको कहना चाहूंगा कि आपकी जो चॉइस थी या मेरी जो चॉइस थी वो गलत नहीं थी। नंदिता जो लड़की थी वो इन पर्सन गलत नहीं थी, जितना मेरा मानना है। उसकी जो क्वालिटीज थी ना वो शायद ही मुझे मिलेगी रूपा। हाँ, चल रूपा के लिए है ना। हाँ, वो कर लूंगा, वो टेंशन छोड़ो, पर आप मेरी टेंशन मत करो। मैं ये आपको इतनी बार इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है आप किस चीज का डर क्या है। एक माँ के लिए अपने बेटे को चेहरे पर सचता देखना सबसे बड़ी खुशी होती है, मगर नंदिता के जाने के बाद अब एक माँ को डर सताने लगा है कि कहीं उनकी खुशी उनसे दूर ना चली जाए। अपने बेटे की शादी की इतनी फिक्र थी कि घर पहुंचते ही शुरू हुई बहू ढूंढने की मुहिम। मैं आपको यहाँ देखती थी जैविक से, तो मेरे को लगा कि आप भी एक समझदार लड़की कन्या हो जो विवेक को सूट कर सकती हो। अच्छे से बारीकी से देखूं, मतलब अभी तक आपने जैसे देखा है शायद आपने उस नजरिए से मुझे देखा नहीं होगा, तो अगर आप अब मुझे अच्छे से देखोगे तो हो सकता है आपको कोई कम ज्यादा कुछ पता लगे या फिर। सही बात है, तुम्हारी सोच बिल्कुल सही है। वैसे आप मेरे को जैसा समझ पाए ना, बहुत ईजी हम लोग ट्रांसपेरेंट हैं, विवेक को भी आप समझ पाओगे। क्योंकि मुझे हमेशा शुरू से बड़ा डर लगता है कि मैं किसी को हर्ट ना करूं। होता है अच्छी बात है, नहीं होता तो उसमें भी एक पॉजिटिव बात है, शायद बना ही नहीं है। रूम्पा के डिंपल चुल्ली सी है, यूं यूं कहां से कहां निकल जाती पता नहीं लगता। पता कितनी स्वीट लड़की है पूरे घर की। तेरा इंटरेस्ट काफी लग रहा है। अगर पूजा नहीं होती ना शो पे तो मेरी प्रेफरेंस थी रूम्पा। अच्छा, दिल की बहुत अच्छी है। सबसे अच्छी बात लड़की जो होती है ना वो दिल की अच्छी होनी चाहिए, आपके सुख दुख में आपके साथ रहे और प्यार करने वाली होनी चाहिए बस। सही बात है, मुझे मुझे वो छोटे बच्चों की कमी महसूस नहीं कराएगी। वो खुद इधर उधर घूमेगी ना। मुझे मेरे तेरे को लेके वैसे भी डाउट है बच्चों को लेके। अच्छा, अबे बच्चों को लेके डाउट है, मुझे तो तेरी शादी का डाउट है। पूजा ने मना कर दिया तो शादी कौन करेगा। इस डर के चलते हितेश की मम्मी जी ने पूजा की तरफ से दूसरों का ध्यान हटाने के लिए ना जाने क्या क्या पेत्रे आजमाए। जब उन्हें लगा कि वो कामयाब हो रही हैं, तो अब आमने सामने बैठ के पूजा की राय जानी जा रही है। एक चीज जो बहुत क्लियर मैं तुमसे पूछती हूँ, कई दफा ऐसा होता है जैसे हितेश है, उसकी कहीं पहले से कमिटमेंट पेरेंट्स ने कोई थोड़ी बहुत देखी हुई हो, ऐसे लड़कियों का भी कई दफा होता है कि कहीं कोई लड़का देख रखा हो, ऐसा तो कोई बात नहीं है कोई किसी किस्म की? नो वे, अभी इतना टाइम हो चुका है, अभी भी अगर ये डाउट्स हैं तो फिर मुझे लगता है कि अगर तो शायद मेरे को ही बैक ऑफ कर जाना चाहिए।
हर इंसान के मन में नहीं प्रश्न होते, लेकिन मैं शुरू से ही आंटी जी इतनी क्लियर और इतनी ऑनेस्ट रही हूँ अपने थॉट्स को लेके। मैं आपको इसीलिए फिर भी ऐसे प्रश्न आएंगे तो हर्ट होता है। ऐसा होता है, हर्ट नहीं होना चाहिए। हितेश मुझे बहुत पसंद है, लेकिन ये बोलना कि वो प्यार है तो मैं नहीं बोलूंगी कि वो प्यार है। इन नटशेल बात यही है कि मैं टाइम ले रही हूँ और मुझे टाइम चाहिए है। सात जन्मों का फैसला, मैं जिनमें सात मीटिंग भी नहीं हूँ तो मैं कैसे ले सकती हूँ। पूजा से जो बातचीत की है उससे मुझे लगता है कि वो बदलेंगी नहीं। अगर वो बदल जाती हैं शायद दुनिया उसको माफ नहीं करेगी। पूजा अगर मना करती है ना, तो पूजा का भी और मेरा दोनों का बैंड हो जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि पूजा काफी ठहरी हुई लड़की है। मैं फिर भी नहीं चाहती कि मेरा बेटा कहीं किसी पॉइंट पे जाकर हर्ट हो जाए। मुझे तो यहाँ से अपने बेटे की शादी करके लक्स परफेक्ट ब्राइड लेके जाना है। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।